मारने को। क्या करने का था? खत्म करने का मेरे को। जोर से बोल, सुने आना मुझे। खत्म करने का मेरे को। अच्छा, इसको मार देने का है। ऐसा बोल के ला के डाले तुझे इसके अंदर, तो तू कैसा मार डालता? बीमारी पे डाल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, कैसा पूरे तकलीफ दे के मारना। क्या करके देके मार डालता उसको? तकलीफ होने मेरे को, तकलीफ दे के मार डालता। तेरे को तो नहीं छोड़ते, अभी तेरे को तो जकड़ लिया और तेज जकड़ो उसको। क्या नाम है उनका? शहनाज बी को कैसा मारने वाला था तू? शहनाज बी को, शहनाज को कैसा मारने वाला था? तकलीफ देते मारने। अच्छा, क्या तकलीफ देने वाला था तू? पूरी तकलीफ है मेरे अंग में पूरी। छोड़ो उसको, तेजी से ना लाए उसको। तकलीफ छोड़ देते नहीं, देखो कमी है और दो उसको, तकलीफ ना लाए आपको। देखा ना कैसा पकड़ के लाए, बरोबर लाती मेरी फौज पकड़ के। कमी नहीं, तेरे बाप का राज चल रहा है लोगों को सताने को। अच्छा, इसके शहनाज बी के घर से और किसको मारा तूने? शोहर को। उसके भारत को मार, शोहर को मार दिया उसके। मार दिया मेरे बच्चा के पीछे लग दिया। मेरे बच्चा को पूरी ताकत लगा। क्या कमी ने? पकड़ो उसको देर से। तबाही बर्बादी लगा था उसके घर में। क्या कर रहा था तू? और कुछ नहीं। सबको ले आया मैं, दोनों को तो ले गया। किस किस को ले गया? मेरे को, मेरे झाड़ को। हाँ। और मेरे बच्चा के पीछे लग गया उन्हें। अच्छा, तुझे कहाँ से? खबरस्तान से, शमशान से, कहाँ से लाए थे उठा के? खबरस्तान से। हाँ, खबरस्तान से। औरत ले आदमी लाया? एक क्या औरत है मेरे साथ में। हाँ, तेरे साथ दो लोग और है, एक हिंदू एक मुसलमान। अच्छा, कब्रिस्तान से मुसलमान थे, दो तरफ से वारा चले, दो तरफ से। अच्छा, कौन थी वो? इसकी रिश्तेदार है? कौन है? औरत है आदमी है जिसने जादू करा? तो रिश्तेदार है हमारी, एक हिंदू की है। हाँ, क्या तो भी नाम था उसका? पता नहीं। कौन है वो इसकी रिश्तेदार जिसने तेरे को इसके अंदर ला के डाला शहनाज बी के आंग में? शहनाज बी की कौन होती वो? माँ की तरफ की, बाप की तरफ की, ससुराल की, किधर की रिश्तेदार है? ससुराल की। हाँ, ससुराल की है। अच्छा, वो औरत आदमी है जिसने जादू किया? तो औरत है। क्या दुश्मनी थी इनकी उसकी, शहनाज बी की और ये लोगों की? क्या दुश्मनी थी जादू करने वालों की? हाँ हाँ, क्या दुश्मनी थी? क्या फिर क्यों करी जादू उन्होंने इस पैसा मार देने का? पता नहीं। गीता के आंसर के वो तुझला रही थी, तुझला रहा था के अंदर बैठ के। अरे सब हम कर रहे। क्या कर रहे थे? सब हम खत्म करने को कर रहे सर। अच्छा, कैंसर की गीटा ला के खत्म करने को कर रहे सो? हर चीज करने हम। इनको गीटा है क्या? हुआ अरे वो तुम्हारे अब्बा को बेसिस गीटा हो गए थे क्या? कोई गीटा पीटा का वो नहीं था, वो मसला जादू टोने का था। ये जादू टोने से कराए वाले थे ना। झगड़ो उसको और जैसे ही। क्या बोले थे? कब मारो बोले शहनाज बी को? अम्मास में, पूनम में, मौका देख के कैसा मारो बोले? अम्मास देख के मार दो बोले। फिर शहनाज बी के बाद किसको मारने वाले थे घर से? सब बच्चे के पीछे लग गए हम। हाँ, पता नहीं किसको क्या हुआ। तो वैसे क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, हम हमारा शैतान से खा रहे थे। हाँ, क्यों दुश्मनी करे कि पता नहीं हमारे को। हमारे सही बता रहे तो पूरा काट के डालने लगा दूंगा खंबा। बाप का राज चल रहा कैसा? हालात लोगों के जाना लेता, घर बर्बाद कर रहा, गर्म पानी से घर जला रहा लोगों के। कमी ने शर्म नहीं आ रही तुझे? कौन कौन औरत थी वो? कौन आदमी था वो जिसने इस पे जादू करा? शहनाज बी के पूरे झाड़ पे, पूरे घर पे जादू करे? कौन करा वो? कौन करा? कौन है उसका नाम बोल? मर गया वो तो, मरदूद मरीगा ना लोगों को परेशान करने वाला। अच्छा, दूसरी बात, कराया किसने था जादू? किसने कराया पैसा दे के? कौन 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 था वो? उसका नाम क्या? नाम है उसका? एक दो का नाम बता, बता जल्दी। इनको मार के भस्म कर दूंगा, अभी जला लाएंगा तो पूरा जला दूंगा कम्बा खत। हाँ, बता कौन है वो? शहनाज बी के कौन होते वो? हाँ बोल। जेठ होती है। जेठ होती जेठ हमारे। क्या तो भी नाम है उनका? नाम पता नहीं। सही बोल, कम पकड़ तो पूरा जला दूंगा। पता नहीं कहाँ रहता वो? सही बोल रहा, झूठ बोल रहा? सही बोल रहा। दुश्मनी क्या थी? जमीन जायदाद की, घरदार की, कई की दुश्मनी थी? खेत की दुश्मनी थी हमारे, सही कुछ नहीं। अच्छा, तो ये इसके पूरे शहनाज भी के पूरे घर के बच्चों को सबको खिलाने वाला है जादू टोले से। हाँ, सबको खिलाएगा। अच्छा, यानी सब तबाह बर्बाद होकर मरना बोलते हैं। और तू इनको क्या आंसर लगा लगा के मार रहा था अंदर बैठ के, बराबर? इसके मारत को शहनाज भी के भी तूने मारा? क्या कौन सी बीमारी डाल के मारा था? हर चीज की बीमारी डाले हमने। गीटा कह के आए थे उसके मुंह में कैंसर। कौन लाए थे वो? पता नहीं। तू से लाया था क्या कमी ने? हाँ, क्या नीचे बैठने में आ रहा उनको, इसलिए उसे भी डाल निकाले। गीटा लाके इससे पहले भी वो बोल रहा कि मारा, इसको मारा। उनके शोहर के मुँह में कुछ गीटा आए थे, बाद में इंतकाल होगा। तो कैंसर कैंसर समझ कर पेशा कर रहे थे लोग, मगर कैंसर वांसर नहीं था वो। ये कम वक्त ना कर रहे थे। इससे पहले भी इनको लेके आए, पहले हाजिर नहीं हुआ। ये दूसरी चक्कर है उनकी, दूसरे चक्कर में हाजिर होगा। तो ये हाजिर हुआ तो ये बोल रहा कि इस मारने को ये कर रहा था। इनको भी गीटा आ गए थे तो इनका भी ऑपरेशन करके गीटा निकाले करे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बोल रहा कि अम्मास देख के मारने आता। अब एक सामने दास्तान पूरी और सब पता चला कि जादू टोने का खेलते हुए जादू टोने से मार रहे थे। कौन मार रहे, क्या मार रहे, क्या रिश्ता था, वो भी पूछा दिया हमने। सब पकड़ लिए, पकड़े तो बयान कर रहा हूँ। और भी क्या क्या है, और भी बहुत सारे राज है। खैर, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे जबानी तो मैं पूछा था नहीं, जो भी दास्तान है सामने पकड़ के लाके पूछा था। और वो उनको नीचे बैठने नहीं आ रहा, इसलिए क्या है मैं खड़े रहा हूँ, खड़े रह के निकाल रहा हूँ। और दूसरी बात के ये ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज, क्या बोलूँ मैं, बताता हूँ तुमको 2 मिनट। हाँ चलो, इसको झगड़ के रखो तेजी से और नाला है खून। कितने बार मारा हूँ रमाज पूनम को, वारों के वारा चल रहे क्या? हाँ, हम रमन से वार्ता में लगे होने, सांप लाके फेंकता है आंख पे, पूरे आंख में चंपा होते हैं। अच्छा, मार इस दो बोल के देखो, इसको पीछे पड़ा होने शहनाज भी कुमार बोल के देखो, हुकुम दे रहा बार बार। और तेरे साथियाँ कितने शमशान के कब्रिस्तान के उठ के आए वाले? 4 ही। अच्छा, और इसके जो शहनाज भी के शोहर को तुमने मारे, तो कितने जनों ने मिलके मारे? कितने शैतान आते वो सब मारते वक्त? 3 थे। और बाद में भी और एक भेजा क्या उन्होंने? ठीक है चलो, ये सब नाला है मुझे पड़ गया। देखा ना मेरी फौज का समार्थी बन के, तो चिरागों में देखा नहीं? देखा हाँ, पढ़ रही थी ना मार, क्या कर रहे थे, मार रहे थे क्या? देखो बन के लेके जा रही थी मेरे को। हाँ, फिर लेके जा रहे, मैं आदमी बोलने तुम्हें कोई तकलीफ दे रही, पकड़ के जाके मार रहे थे। देखो बहुत तकलीफ दे रही थी, खास बात है। जब मैं देता जलाने कैसे तो वो आते वहाँ पे, वहाँ पे आने के बाद में ये शैतानों के जबानी को जाता मैं अमल के दौरान में पकड़ते, फिर पकड़ के ले जाके बाहर मारते हो, तो मार मार के खत्म करते। क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं शैतान को जाके बार बार लोगों को घर पे खत्म, मैं थोड़ी बार बार हर किसी के घर पे हाजिर हो सकता, हर किसी के घर पे जा सकता, इसलिए उनको ड्यूटी दिया जाती। अब कौन मारते क्या मारते देखो, शैतान बयान करना आते, पकड़ते, बाहर ले जाते, बाहर ले जाके मारते पूरा लड़ा के मैदान में। फिर ये उनकी ड्यूटी रहती। जो भी है सब अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकतें, अल्लाह का निज़ाम है, सब अल्लाह की दास्तान रहती। और दुनिया में कोई जादू टोने की औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। वक्त मिलते तुम आपको ट्रीटमेंट अगर जादू टोने का हटाने का मिल गया तो तुम्हारे जाना बच जा सकते, और नहीं तो बिला वजह तुम लोग ज़ाया हो जाएंगे, दुनिया से मर जाते। इसलिए कुरान की रस्सी को मजबूती से थामना और ज़बान में ऐसा तासीर पैदा करना कि ये सब चीज़ों से अल्लाह तुम्हारे उसके अमान में रखे, हिफ्ज़ अमान में। अल्लाह ने तुम्हारी अगर हिफाजत की ठान ली तो फिर कोई सातो ज़मीन आसमान में ताकत नहीं है जो तुमको जहमत दे सके। और अल्लाह ने अगर तुम्हारी हिफाजत की नहीं ठानी और पूरी दुनिया मिलके भी तुम्हारी हिफाजत की ठानेंगी, तो पूरी दुनिया मिलके भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत में नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहो। पकड़ो इसको और मार दे रहा, इसको नाला को, इसको मार मार के ख़त्म करो, इसको तेजी के साथ में और चिरागों के अंदर खत्म करो, सबको नाला उतारे में भी खत्म करो उसको तेज से। पानी ले नीचे से चुप। क्या नाम इनका? शहनाज भी। अरे क्या होगा, पानी पियो। अरे क्या होगा, कहाँ गए, पानी पियो। कैमरा अपने लगा। तो ये ऐसे दास्तानें रहते हैं, ये जो मसले मसाइल हैं लोगों को ऐसा लगता सब इससे पहले हाजिर हुआ क्या उनके आंख पे कभी नहीं? हाँ। जब आ रहा था वो क्या बोल रहा था? छेड़ मत मेरे को, मैं आप भी ले जाऊंगा। जोर से बोलो, जबान पे ठीक है। वो छोड़ मेरे को छोड़, नहीं तो आप भी लगेज ले जाऊंगा। ऐसा उससे पहले कभी हाजिर हुआ था कि मुझे अमल देने? नहीं, इससे पहले वो मेरे पास में आए थे, उन्होंने आकर मेरे को रिपोर्ट और बताया कैंसर के वो सब, और उससे पहले उनके अब्बा को भी मार के लेके चले गए, उन्हें इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक बात याद रखना कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ने सब बता दिया पूरी दास्तान। मौत से पहले हराम मौत भी रखे लिए, मौत से पहले शहादत की मौत भी रखे लिए, और नेचुरली मौत भी है। शहीद हो जाओ राह फी सबीलिल्लाह, सूरह अल इमरान में फरमाता अल्लाह तुमसे राजी होगा, खुश होगा और शहीद को मुर्दा मत कहो, कह दिया वो जिंदा है। और एक मौत है हराम मौत, सुसाइड करो, मर जाओ, जादू करने से मरो, कैसे मरो वो हराम मौत में का। हराम मौत का ऐसा बोल दिया अल्लाह है कि उसके करीब मत जाओ, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, और जो हराम मौत मरेगा उन्हें दुनिया में भटकेगा क़यामत तक। वो सब डिफिनेशन थियरियां पढ़ो तुम, आप समझ लेंगे बाल से बारी बातें। और एक नेचुरली देती है, नेचुरली मौत जो रहती है वो तो उम्र के बहुत आखिरी हिस्से में आती है। इंसान पूरी जिंदगी जी के 60, 70, 80, 100 साल के अंदर बाहर ऐसा मरता, वक्त से पहले जो मर जा रहा तो वो यकीनन समझ जाओ ऐसा कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर ऐसे हमले हो रहे, और ये गलते जादू टोने के तुम्हारे ऊपर इसलिए हो रहे। और जादू टोना तुम्हारे घरों पर तुम्हारे पर क्यों मुसल्लत हो रहा? जादू टोना तुम्हारे घरों पर क्यों मुसल्लत हो रहा? वो इसलिए मुसल्लत हो रहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को छोड़ के हट रहे। तुम अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को छोड़ेंगे और उसके राह से भटकेंगे तो फिर शैतान तुम पे ऐसा काबिज हो जाएंगे, तुम पे हमला करेंगे, तुम्हारे घर दार को मुसल्लत कर देंगे, जादू टोने में बर्बाद करके हलाक कर देंगे। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, बुजुर्गान दीन के दामन को छोड़ो मत, वली अल्लाहों के दामन को तुम अगर कस के थामेंगे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे बाद मेरी आल या फिर हदीस और कुरान, हदीस और कुरान अगर तुमको मिल गई वो रस्सी तो मजबूती से थाम लो, या मेरे आल की रस्सी मिल गई तो उसको भी मजबूती से थाम लो, क्योंकि दो रस्सियां ऐसे हैं तुमको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ेंगे। ये बता दिया ना, पढ़ो जरा आधी अधूरे हदीसें नहीं पढ़ना, पूरी तरीके से पढ़ना। ये जमाना तो एजुकेटेड दौर चल रहा है, अनपढ़ को भी पढ़ा दिया है दौर में, मोबाइल ने पढ़ा लिखा बना दिया। तो इस वास्ते पढ़ो, लिखो, समझो और अमल करो। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल या बुजुर्गान दीन के दामनों को छोड़ के भटक जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे घरों पे जादू टोने लाद कर तुमको मुसल्लत करके हलाक कर दिया जाएगा। तो इसलिए तुम बेहतर है कि अल्लाह के वलियों की शान में गलती से भी गुस्ताखी नहीं करना। अगर गुस्ताखी करोगे, क्योंकि अल्लाह ने पहले बता दिया हदीसों में, कुरान में ऐसे बता दिया उनके मर्तबे, और तुम आपको ये भी बता दिया अल्लाह कि अल्लाह के वलियों की सोबत में एक लम्हा बैठना, अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना 70 साल की इबादत का सवाब है, 70 साल की इबादत का सवाब है। और अगर तुम जादूगर के सोबत में जाके फिर एक लम्हा बैठेंगे तो उसका अपोजिट भी होगा ना, तुम्हारी 70 साल की इबादत एक दिन में एक लम्हे में रद्द कर दी जाएगी। बोलो फिर क्या मतलब का? इसलिए जादूगरों के नजदीक न जाना, अल्लाह वालों के नजदीक जाना। अल्लाह वालों के नजदीक जाने से तुम्हारा दीन ईमान सब ताज़ा हो जाता, दुनिया व आखिरत सब बन जाती। देखो मैं कोई प्रैक्टिकल मैं तुमको बता रहा हूँ, कोई कहानियां किससे नहीं सुना रहा हूँ। इनको पहले लेके आए थे, पहले उनके आंख पे हाजिर नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, नहीं जैसा मैंने उनको कुछ सामान लिखा कर दिया, जो भी चीज उन दुकान से लाए पढ़ाए, अपना घर को लेकर गए। मैंने तो 1 रुपया लिया भी नहीं, तुम्हें किसी से रुपये लेने की गरज नहीं है। तुम आपको सामान लिख के देते, अपना दुकान से लाना, अपना दम करा के घर को ले जाना, और घर को ले जाके अमल करना जैसा मैं बताता वैसा। तुम आमिल नहीं है, तुम तजुर्बेकार नहीं, मैं तजुर्बेकार हूँ तुमसे ज्यादा। मुझे जो दिखता वो तुमको नहीं दिखता, और तुमको जो दिखता वो हर किसी को दिखता। तो इसलिए मैं जैसे बताता हूँ वैसा अमल करना। जब ये लोगों ने सामान लेकर के घर पे अमल करे, अमल करने के बाद में अमल के दौरान ही घर पे बोलते हैं कि हाजिर होना चालू होगा, और बोल रहा कि मेरे को छेड़ो मत, मेरे को मत छेड़ो। अब यहाँ पकड़ के सामने लाए मेरे, लाली आगे बयान होगा खुलासा, कौन करा क्या करा पूछा दिया उनके सारे नाम दास्तान। क्या समझ रही थी? इससे पहले इनके घर से एक शख्स जाया होगा, इनके वालिद क्या बोलकर जाया होगा, इनके वालिद के कैंसर समझ के लेके गए, इलाज करे, ट्रीटमेंट करे कैंसर का। अब जितना मेडिकल साइंस बेचारा, जितने डॉक्टर, जितने मशीना जो लेवल पे काम करते वो तो लेवल पे वो काम करेंगे ना। जहाँ पकड़ नहीं आ रही, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जा रहा वहाँ समझ जाना फिर वो दूसरी दुनिया का आ रहे। ये दुनिया का सारे चीजों को, सारे बीमारियों को स्कैनिंग करके पकड़ के तुम्हारे सामने लाके एक्सप्लेन करके तुम आपको समझा देगा मेडिकल साइंस। दिल निकाल के दिल डालेगा, दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग डालेगा, सारे पार्ट्स काट के रिटर्न सर्जरी करके जोड़ेगा, ये सब में आगे। लेकिन जहाँ ये फेल हो जा रहा बार बार तो वहां समझ जाओ जरूर कुछ ना कुछ राज है, कुछ तो बात है। और तुम अगर ना मानेंगे सीख तो फिर मांगेंगे दर भीख। इसलिए तुम्हारे सारे बातें अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को सबका निचोड़ लेंगे। ये कि रस्सी को मजबूती से थामो, घर के अंदर तालीम लो, कुरान की तालीम लो, घर के अंदर हदीस पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एक मामूल बनाओ, रोज 1 घंटा रखो, ईशा के बाद रखो, आधा घंटा रखो, सोने से पहले बच्चों को सूरह यासीन पढ़ा के सुनाओ। तुम ऐसा सोने से पहले पढ़ के सुनो, पूरा घर एक जगह बैठ के सुनो, एक जना पढ़ो, एक मामूल बता रहा हूँ तुम्हारे पास, मामूल बनाओ घर का। तुम एक जना कोई भी सूरह यासीन बाआवाज बुलंद पढ़ना, खिराज से सब लोग बैठ के सुनना। फिर दिन निकलेगा तो जब सब लोग उठेंगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो एक जने में सूरह यासीन बाआवाज बुलंद पढ़ना, सब घर के लोग सुनना, उसके बाद तुम काम स्टार्ट करना। देखो कसम खुदा की अल्लाह फिर तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता। तुम अगर सुबह सूरह यासीन पढ़ेंगे तो शाम तक, और शाम में पढ़ेंगे तो दिन निकले तक। फिर जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो कोई है साथ और जमीन साथ और आसमान के अंदर जो तुमको जहमत दे सके, कोई ताकत नहीं फिर तुमको जहमत देने वाली। तुम ऐसा मामूल बनाओ, एक हदीस सुनाओ घर के अंदर, रोज रात में एक ऐसा खुद को ऐसा बोलो कि हम रोज रात में एक हदीस सुनेंगे, एक दुआ पढ़ेंगे और एक सूरह यासीन का तो कंटिन्यू अमल रखेंगे। एक दुआ खाना खाने की दुआ, दूसरे दिन खाना खाने के बाद की दुआ, तीसरे दिन बाहर जाने की दुआ, चौथे दिन ऐसा कोई भी 3 दिन एक दुआ को मशक करो, रटो, ऐसा एक मामूल बनाओ घर का, तुम लोग महफूज रहेंगे। और अगर ये सब बात तो मेरे अगर तुम्हारे कान में से एक कान में से घुस के दूसरे कान में से निकल के चल जा रही तो समझ जाओ फिर तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, फिर तुम जादू टोने में मुसल्लत होकर गर्क हो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये चीज़ों से तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख। क्योंकि अल्लाह अगर ये चीज़ें मुसल्लत हो जाएंगी ना उसके बाद में तोबा करके बोलना, तोबा भी कबूल नहीं होती, भागने को रास्ते भी नहीं मिलेंगे। कहीं भी भागो तुम्हारे से 2 कदम आगे चलते ही चलना, तुम्हारे से 2 कदम आगे चल के बता देता हूँ आपको। तो इसलिए बेहतर है कि अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत और बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना। वली अल्लाह लोग अल्लाह के वलिया ऐसे है कि अल्लाह ने पहले कुरान में बोल दिया कि अला इन्ना वलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर फरमाया, देखो पढ़ो मालूम होता। फिर अल्लाह ने खुद हदीस खुदूसी में फरमाया कि मेरे वलियों के वास्ते अगर तुम अपने दिल में बुग़्ज़ रखते, जरा भी बुग़्ज़ रखते, कीना कपट जरा भी रखते उनके वास्ते, तो अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता। फिर चलो अल्लाह से जंग करने को तैयार हो जाओ, कर सकते, लड़ सकते अल्लाह से। कोई है ताकत सा तो जमीन सा तो आसमान में? कोई नहीं। क्योंकि मैं बोलने वाले बादशाहों को मट्टी में मिला दिया अल्लाह ने, मट्टी से निकाल के मट्टी में। हर चीज़ पे अल्लाह जानदार पे भी हुकूमत करता, अल्लाह बेजान पे भी हुकूमत करता। जब तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान के अंदर कि हम बेजान से जानदार चीज़ पैदा करते और जानदार से बेजान पैदा करते। जानदार मुर्गी से बेजान अंडा पैदा होता और बेजान अंडे से जानदार मुर्गी पैदा होती। देखो खुदा की कुदरत, तो बहुत बड़े राज है इबादत के। जब तुम दीन और हदीस के राह पे तुम चलेंगे और रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, तुम हर इसमें। और ऐसा नहीं है कि हदीसें कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ना, दुआएं सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकता। रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। दुआएं मोमिन का हथियार है, दुआएं जब हथियार है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई पढ़ सकता और उसका फायदा उठा सकता। तुम महफूज रहेंगे, हिंदू हो क्या मुसलमान हो क्या सिख हो क्या ईसाई हो, किसकी भी फैमिली में से एक शख्स के आंग पे अगर कोई चीज आती और वो डिस्टर्ब हो जाता एक शख्स, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। किसी का दिल दिमाग खाने में लगता, कमाने में लगता, कुछ नहीं क्या नहीं, सब वो फिक्र में मुबतला हो जाते कि इसको राइट कैसा करना, इस बच्चा कैसा करना। जब तुम महफूज रहेंगे, फैमिली का एक भी पर्सन, एक भी शख्स, एक भी मेम्बर अगर अच्छा रहेगा तो पूरी फैमिली सुकून में रहेगी। एक भी अगर जहमत में चलेगा, तकलीफ में चलेगा तो सब तकलीफ में चले जाते हैं। इसलिए कोई तकलीफ शैतान भूत जिन्नात ऐसा देख के नहीं आते कि ये हिंदू चैन, ये मुसलमान है, वो सिख है, वो क्रिश्चन है, कुछ नहीं। सब पे हमले हो रहे, सब के रिश्तेदार एक दूसरे पे कर रहे। इसलिए महफूज रहो, दुआ पढ़ो, दुआएं याद करो। यूट्यूब है तुम्हारे पास, हर चीज़ की दुआ याद करो, घर से बाहर जाने की दुआ याद करो, खाना खाने की दुआ याद करो, किसी के घर में बैठ के। सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने की कोशिश करो, याद करो, तो तुम बहुत अच्छा और महफूज रखेंगे सब चीज़ों से, बलाओं से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सब रात और दिन बैठ कर यहाँ देखा है क्या क्या दास्तान है, कैसी कैसी। मैं 17-17, 18-18 घंटे बैठ के मैंने भी खिदमत अंजाम दिया, इतना भी कि मेरे पैर सुन हो गए वाले, बैठ बैठ कर खड़े नहीं रख देते हो ज़्यादा। जबकि मेरे को हर तरफ से प्रेशर है, खानदान के लोग, घर के लोग सब ये बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है करने की, छोड़ो ये हटाओ। मगर मैं इस वास्ते खिदमत खल्क कर रहा हूँ कि अल्लाह ने चुना तो राय की सबील्ला, चलो अल्लाह तूने चुना ठीक है, तेरे नाम में कर रहा हूँ मैं बैठ के। हालांकि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गरज नहीं है ये सब करते बैठने की। मैं डॉक्टर हूँ, MD और मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं ये मेरे फील्डों से मेरी कुछ फुर्सत नहीं मिलती, मगर ये सब इस वास्ते करना है कि मेरे हाथ में पावर दिया अल्लाह, जैसी जो भी दास्तान है तुम सब लोग देख रहे। मैं नहीं करूँगा फिर जनता जाएंगी कहाँ पे, फिर अवाम जाएंगी कहाँ, लोग तकलीफ ज़्यादा लोग जाएंगे कहाँ, जाकर किससे मदद मांगेंगे, किससे। इसलिए अल्लाह ने जो मकसद के लिए चुना उसमें मैं साबित कदम उतरने की पूरी कोशिश कर रहा। अल्लाह मेरी भी खिदमत को कबूल करना और लोगों को भी नेक हिदायत देना। इस जादू को एक दूसरे के ऊपर मत करो। जन्नत से फेंक दिया, आसमानों में से फेंक दिया गया, ज़मीन पे अज़ाज़ील को इतना बड़ा मरतबा मिला था, ज़मीन का सब कोई कोना नहीं जहाँ उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा। उसको इबादत की वजह से मकामात मिलते मिलते फरिश्तों का सरदार बनना था। जब एक हुक्म नहीं माना जमीन पे फेंक दिया गया इब्लीस का लक़ब देकर, तकब्बुर घमंड कर। तो तुम कहा कि कौन से खेत की मूल्य है, कौन सी इबादत करे, तुमने इसी क्या इबादत करे जो तुम्हारे को बख्श देंगे नहीं देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि जिसने जादूगर के पास गया और जादू चलाया और जादूगर ये हम में से नहीं है, हम में से नहीं, हम में से नहीं, मैं उसकी शफाअत भी नहीं करूँगा हश्र के दिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बताओ कि तुम कहाँ जाएंगे, किसके पास शफाअत करने के? कोई भी पैगम्बर करने जाएंगे तुम, सारे पैगम्बर उनके पास आने वाले। अव्वल व आखिर खातिम उज़्ज़मा पैगम्बर मोहम्मद, मेरे भी नबी है, तुम्हारे भी नबी है, सारे आलम के नबी और पूरे नबियों के नबी है। नबियों को भी वहीं जाना पड़ेगा बख्शाने के वास्ते। पढ़ो तो पता चलेगा। जब उमच नहीं बख्शेंगे तो फिर तुम कौन अल्लाह के जलाल से बचा सकेगा? अल्लाह के जलाल से सिर्फ अल्लाह का जमाल बचाने वाला है तुम्हारा, बाकी कोई नहीं बचा सकता। पैगम्बरों तक खुद उनके पास में जाएंगे तो तुम्हारे को जब बोल देंगे हम में से नहीं है तो फिर तुम कहाँ जाएंगे? बेगैरतो, शर्म करो। बोलने के बहुत अल्फाज है लेकिन क्या बोलूँ मैं तुम्हारे लोगों को। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे।